हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, कार्बन उत्सर्जन की और ग्लोबल वार्मिंग और कई दूसरे पहलुओं की। लेकिन हम मिट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिट्टी वो निवास स्थान है जहां असंख्य जीव फलते फूलते हैं। जब मिट्टी समृद्ध नहीं रह जाती तो समझिए कि आपने धरती को कई मायनों में त्याग दिया। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धरती पर केवल 80 से 100 बार ही फसलें उगा पाएंगे, यानी कि हमारे पास धरती पर लगभग 45 से 50 सालों तक खेती करने के लिए ही मिट्टी बची है। सन 2045 तक हम आज के मुकाबले 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9.3 अरब हो चुकी होगी। अगले 25 सालों में जो भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है उसके नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भोजन की कमी होगी तो पूरी दुनिया में ग्रह युद्ध शुरू हो जाएंगे। अभी हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो ये है कि मिट्टी गायब हो रही है। मिट्टी गायब क्यों हो रही है? वो कहां जा रही है? हमारी मिट्टी के साथ क्या हो रहा है? हमें यह समझना होगा कि अगर आप रेत में जैविक पदार्थ मिलाते हैं तो रेत मिट्टी में बदल जाएगी। अगर आप मिट्टी से सारा जैविक पदार्थ निकाल लें तो मिट्टी रेत बन जाएगी। सामान्य खेती की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा कम से कम 3 से 6% के बीच होनी चाहिए। सबसे कम है 3%। मिट्टी को जीवित रखने के लिए, मिट्टी को जीवित मिट्टी बनाए रखने के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा खराबी आई है। ज्यादातर देशों में पिछले 100 सालों में मिट्टी की ऊपरी परत का 50% से भी ज्यादा पहले ही गायब हो चुका है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के स्तर में भारी गिरावट आई है। आपको अपने भोजन से जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते थे 20वीं सदी की शुरुआत में, उसके मुकाबले आज आपको उसी भोजन से जो मिलता है उसमें 90% की गिरावट आई है। 1920 के दशक में एक संतरा खाकर आपको जो मिलता था, अब 2020 में अगर आपको वही पाना है तो आपको 8 संतरे खाने होंगे। हमने अपने भोजन के साथ ये किया है। Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. मिट्टी की ऊपरी परत के पहले 12 से 15 इंच में उपस्थित सूक्ष्म जीवन ही हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारे पैरों के नीचे मौजूद इस जादू ने ही उस जीवन का निर्माण किया है जो हम हैं। पहले 12 से 15 इंच की मिट्टी इस धरती पर मौजूद 87% जीवों के जीवन का आधार है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. खुली मिट्टी, जिसे जुताई करके धूप में खुला छोड़ दिया गया है, यही सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का कारण है। तो हमारा ध्यान खेती पर होना चाहिए। हमारा ध्यान ये पक्का करने पर होना चाहिए कि जमीन जितना ज्यादा संभव हो छाया में रहे। किसी भी तरह की छाया, घास, पौधे, झाड़ियां, पेड़। कॉन्शियस प्लैनेट मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए नीति में बदलाव लाया जा सके। इसके एक हिस्से के रूप में मैं 65 साल का हूं और मैं अकेले 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा करूंगा। 24 देशों से होते हुए 30,000 किलोमीटर की यात्रा नागरिकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए, ताकि सरकारों को यह विश्वास मिले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सराहना की जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस धरती पर मौजूद हर सरकार की नीति में मिट्टी का पुनर्जीवन शामिल हो। हमें पक्का करना होगा कि धरती पर लोग ये जान लें कि मिट्टी धन है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हमने अपनी पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किया है और हमें इसे भावी पीढ़ियों को एक जीवित मिट्टी के तौर पर सौंपना है। अभी हम एक समय पर हैं कि अगर आप अभी सही चीजें करते हैं तो अगले 15 से 20 सालों में हम इस परिस्थिति को काफी हद तक वापस मोड़ सकते हैं और मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे अगले 30 से 40 साल ऐसे ही चलने देते हैं और 40 सालों बाद कोशिश करते हैं तो इसमें शायद 150 से 200 साल लग जाएं।
क्योंकि जैव विविधता में उतना नुकसान हो चुका होगा। 21 मार्च से 100 दिनों तक पूरी दुनिया को, इस धरती पर मौजूद हर इंसान को मिट्टी की बात करनी चाहिए। हमें मिट्टी मिट्टी बचाओ जैसे शब्द हर जगह सुनाई देने चाहिए, ये पक्का करने के लिए कि धरती पर लोगों की विचारधारा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर मुड़े, जो कि मिट्टी है। इसे संभव बनाने के लिए आप में से हर एक को जितने ज्यादा संभव हो उतने लोगों तक पहुंचना होगा। दुनिया के बहुत सारे नेता और प्रभावशाली लोग पहले ही इस अभियान में भाग ले रहे हैं। इसका हिस्सा बनें और आइए इसे संभव बनाएं। From my part, as much as I can contribute. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. Our future, our children's future. And our planet's future depend on it. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. 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 Let's make it happen.